बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबीना, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने भिंडी का खट्टा बना रही हूँ मटन के साथ। हमने पहले मटन को गला लेना है। इस तरह से मैंने मटन को अच्छे से गला दिया है और इसके साथ साथ हमें चाहिए इमली का खट्टा। इमली को मैंने भिगा दिया है और इसके साथ हमें चाहिए भिंडी, अदरक लहसुन का पेस्ट, खोपरे का पेस्ट, प्याज एक मीडियम साइज़ की, एक हरी मिर्च, टमाटर, कोतिमीर और इसके साथ साथ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक। अब इसे हमें बनाना शुरू करते हैं। मैंने स्टोव पे एक छोटा सा भगोना रख दिया है। इसे गर्म होने के बाद हम ना तेल डालेंगे। ये भगोना गर्म हो चुका है और अब हम ना इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। मैंने बड़े 2 चम्मच तेल डाल दिया है और इसे इस तेल को गर्म होने के बाद ना हम प्याज डालेंगे। देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। इस प्याज को ना अच्छे से भूनना है। ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है तब तक इसको भूनना है। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इस तरह से हमें प्याज को पकाना है। इस तरह से थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। अब इस हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट एक बड़ा चम्मच लिया है, मतलब 1 टीस्पून। इस तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट को भून लेना है। ये तब तक थोड़ा लाल रंग में आ जाता है तब तक इसको भून लेना है। इस तरह से लाल होना है और इसमें अब हम मटन ऐड करेंगे। मटन ऐड करने के बाद इसको 1.5 मिनट तक पकाएंगे और अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। इस भिंडी के डालने के बाद ना हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। मिक्स करके इसे ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे फ्लेम पर, इसे ढककर छोड़ना है। इसे थोड़ा सा इस तरह सा होने के बाद ना इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इस टमाटर को और इस भिंडी को, इस मटन को ना अच्छे से पकने देंगे। इस भिंडी और टमाटर को ना थोड़े से स्मूथ होने तक पकने देंगे। अब ये भिंडी और ये टमाटर इस तरह से पकने के बाद थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे इसमें। और अब हम इसमें खोपरे का पेस्ट नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिर्ची और नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए। अभी इसे ना अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छे से हिलाने के बाद अब हम इसमें ना इमली का जूस ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे। ये जो मैंने पानी इसमें ऐड कर रही हूँ वो पानी है जो हमने मटन को गला दिया है, वही पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसे ना थोड़ी देर 5 से 10 मिनट तक इसको ना अच्छे से पकने देंगे।
देखिए दोस्तों, मैंने 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से पका दिया है। अब ये पक के बन चुका है। देखिए इसको, इस भिंडी और इस मटन ने अच्छे से पक गई है और इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए अच्छी गाढ़ी सी आ गई है। अब हमें ना इसको कोथिंबीर डालकर और 1 मिनट तक पका के इसको फ्लेम हाफ करके सर्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें ना ज़्यादा कुछ मसाले भी नहीं लगेंगे और बहुत ही मज़े का रहेगा, बहुत आसान से बन जाएगा, बहुत आसान से बनेगा और खाने के साथ ये तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही जायके का रहेगा। प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और इस भिंडी का खट्टा मटन के साथ ना, इस भिंडी के खट्टे को एक बार बनाकर देखिए। देखिए दोस्तों, हमारा ना इस भिंडी और मटन अच्छे से पक चुका है। इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। आप प्लीज़ दोस्तों बनाकर देखिए। अब हम इस फ्लेम को हाफ करके सर्व कर लेंगे। मैं दूसरी रेसिपी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।